केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे अपने उस विवादित बयान तो पलट गए ने जिस विच उन्होंने मीडिया नूं कांग्रेस विरोधी खबरां नूं लैके कुचलन की धमकी दी सी। हुण शिंदे कह रहे ने कि उन्होंने सोशल मीडिया बारे उक्त बयान दिता सी। उन्होंने कहा कि उन्होंने नॉर्थ ईस्ट के लोगों प्रति हो रहे भेदभाव वाली घटनावां नूं लैके बयान दिता सी। पहला अपने बयान विच शिंदे ने कहा कि इलैक्ट्रॉनिक मीडिया नूं कुचल दिता जाएगा जेकर मीडिया का एक वर्ग कांग्रेस पार्टी खिलाफ माड़ा प्रचार करके उसनूं गैर जरूरी तरीके नाल भड़काउंदा रहा। महाराष्ट्र के शोलापुर जिले च संबंध रखने वाले शिंदे का यह बयान कल शाम यूथ कांग्रेस के एक आयोजन च सामने आया। शोलापुर तो लोकसभा संसद मैंबर शिंदे ने दोष लगाया कि पिछले चार महीने तो इलैक्ट्रॉनिक मीडिया का एक धड़ा उन्होंने अते उन्होंने पार्टी बारे खबरों से छेड़खानी कर रहा। उन्होंने चेतावनी दी थी कि जेकर छेती इस तरह दी खबरों को नहीं रोकया गया तो इलैक्ट्रॉनिक मीडिया को कुचल दिता जाएगा। शिंदे ने कहा कि इलैक्ट्रॉनिक मीडिया वड्डे पद्धर से जो हो रहा है वह उस तो जाणू ने। पिछले चार महीनों च मीडिया ने कांग्रेस को भड़काने की कोशिश की है। उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने हेठां खुफिया विभाग आता है और उन्होंने पता है कि इस तरह दी चीज़ा कौन कर रहा। मनिया जा रहा है कि शिंदे का बयान राष्ट्रीय और खेतरी मीडिया वालों करवाए गए चोन सर्वेखणां लैके से जिन्हों में आगामी लोकसभा चोणों च कांग्रेस की पतली हालत का अंदाजा लगाया गया। कल बोला था, मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है उसका, वो मैंने सोशल मीडिया के बारे में बोला था जो नॉर्थ ईस्ट के बच्चों पर अत्याचार होता है। और पिछले वक्त जो हो गया था कि हैदराबाद और कर्नाटक में जो हो गया था कि वो बच्चों को ट्रेन से आते वक्त भी उसको नॉर्थ ईस्ट के लोग है बोल के मार रहे थे, उसके बारे में सोशल मीडिया के बारे में हमने कहा था। हमने जर्नलिज्म के बारे में कुछ नहीं कहा है। Broadcast Editors Association is very concerned about these kind of allegations which are unsubstantiated and which are a product of frustration of the political class. I have never come across any democracy where political class is so intolerant of genuine media coverage. Of late you must have realized, I mean society knows about it, that the kind of coverage we are doing that has really baffled the political class. But as democracy is growing and we have been in 65 years of practicing democracy, so there should be some element of tolerance for this criticism when they are genuine. Khabran di duniya vich aao sade naal kade vi te kiton vi judo aapa milange Facebook te ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਯੂਟਿਊਬ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਦਿਨ ਰਾਤ।